हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिंगेज सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सिंगेज सीरीज के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे आईआईटी जेई मेंस के लिए या जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी में जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सब लोग जानते हैं कि सिंगेज इज द बेस्ट बुक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर सिंगेज एक्सरसाइज 7.1। सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रख रखे हैं। आप यहां से क्या करें, अपने लेवल पर भी अगर आपने इंटीग्रेशन पहले पढ़ रखा है, इन क्वेश्चन को पहले ट्राई करें, देन गो फॉर वीडियो। तो देखो, पहले क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। तो देखो, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि हमारे लिए कुछ नॉन इंटीग्रेशन रहते हैं, ठीक है। और हमारा काम क्या रहता है, जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, उसका प्रिमिटिव फाइंड आउट करना हो, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो आपका सिंपल सा एक ही तरीका होता है। आप एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसको कन्वर्ट करके, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप अपने नॉन इंटीग्रेशन तक लेके जाएं। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है वहां तक लेके जाएं, और जैसे ही वहां पर पहुंच जाएं, यूज फंडामेंटल रूल, ठीक है। तो देखो भाई, क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। तो हमें इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो आप स्क्वायर ओपन करिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर स्प्लिट हो जाएगा। जब ये इंटीग्रेशन इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर स्प्लिट हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए वेल नोन है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का भी वेल नोन है, बट आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। बट आप इसके बारे में आइडेंटिटी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स कितना होता है, वन। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना हो तो ये आइडेंटिटीज आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहीं आगे आपको पता चलेगा कि उन प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों कर रहे हैं भाई, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फटा, क्योंकि आपको टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। अगर इसका एक नॉन इंटीग्रल होता है, ये आपको अच्छे से पता होता, जिसको लोग रट के याद रखते हैं, ठीक है, तो भाई जरूरत नहीं थी। बट मैंने पहले ही कहा कि इंटीग्रेशन बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि यहां पर फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा अपना ज्ञान झोंकना पड़ता है, ठीक है। तो लिखो भाई, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस में टू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स। तो अब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर टू सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बाहर से लिख दिया टू को इंटीग्रेशन से, माइनस में वन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस में टू बाहर और सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। सबको पता है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स, ठीक है, माइनस में वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू तो बाहर है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकेंड एक्स और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों में से क्या ले लेंगे, टू को कॉमन आउट ले लो, तो टू कॉमन लेके आपका मन करे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा और जिसकी सकल सूरत अच्छी हो जाए उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टू को बाहर ले लिया, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस में सेकेंड एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था भी। एक्चुअल में इंटीग्रेशन में करना यही होता है कि आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है उसको आप अपना पूरा नॉलेज का यूज करके एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करो जिसका इंटीग्रेशन आपके लिए वेल नोन हो। तो आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अगर आप फंक्शन को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को इंक्लूड करने वाले इंटीग्रेशन रहेंगे आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये एक्सरसाइज। सेकंड देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x इंटू कोजेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये फॉर्मूला तो वेल नोन है, सबको पता है कि 1 cos 2x किसके बराबर होता है 2 sin² x। इंटीग्रेशन में अगर इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया तो क्या ही किया भाई। 1 cos 2x 2 sin² x, यहां 1 cos x है तो 2x की जगह x है, यहां x/2 आ जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 sin² x/2। और cosec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में जाके बन जाएगा sin² x और यहां dx, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आप खूब यूज करेंगे भी sin 2x का, क्या होता है 2 sin x cos x। यहां क्या है sin x है, यानी कि sin x का चाहिए तो यहां क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो देखो इसको यहां लिखेंगे तो 2 as it is, ये हो जाएगा sin² x/2 dx दिस डिवाइडेड बाय sin² x की जगह ये रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग दिस तो ये स्क्वायर मीन्स 2² × साइन का स्क्वायर sin² x/2 कॉस का स्क्वायर cos² x/2। एक 2 से एक 2 कैंसिल, sin² x से sin² x कैंसिल। तो यहां पर क्या बच गया भाई 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर, सबको पता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है तो 1/2 बाहर आया। ये बचेगा 1 upon cos² x/2 यानी कि sec² x/2 और यहां आ जाएगा dx sec² x/2। सबको पता है sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2, जो थीटा है वो थीटा और थीटा में 1/2 है तो डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में सी, क्योंकि सबको पता है जब यहां लीनियर हो तो लीनियर का जो ए रहता है देन डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा tan x/2 प्लस सी, ठीक है। तो देखो सारा का सारा काम किसके ऊपर था, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर। अगर आप फंक्शन को सिंप्लीफाई अच्छे से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूलेज क्या है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेमोराइज हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको यूज करते रहें, ठीक है। आप अपने दिमाग में एक आइडिया रखें कि जब भी 1 cos आए या 1 cos आए 2 sin² या 2 cos² वाला फॉर्मूला यार यूज करेंगे, sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 यूज करेंगे। ऐसे धीरे धीरे ना एक हैबिट बना ले अपने अंदर कि भाई यहां पर ये यूज करना है और यहां पर ये यूज करना है, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड इज डन, थर्ड पे चलते हैं। ये कह रहा है a^(mx) और b^(nx/dx)। तो भाई ऐसा कोई इंटीग्रेशन फंडामेंटल तो हमने देखा ही नहीं था, बट एक सीधा था कि अगर कोई कांस्टेंट की पावर x पड़ा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ दैट कांस्टेंट प्लस c। सबको याद है ये, यानी कि कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग दे रही है। इसको अगर देखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a^(m), b^(n) and whole power x dx। तो भाई a^(m) है, b^(n) है, दोनों की मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया, है तो एक कांस्टेंट ही ना। यहां पर ये फॉर्मूला कांस्टेंट के लिए होता है, यानी कि कांस्टेंट पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c क्या देता है उसका इंटीग्रेशन। तो यहां भी ऐसा ही लिख दो भाई, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ जो कांस्टेंट है वो लिखो और प्लस में c। अगर आप इस चीज को यहां से यहां तक लिख पाए तो क्वेश्चन वहीं पर ढेर हो जाएगा, और नहीं लिख पाए तो भाई क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है।
चलते हैं अभी नेक्स्ट, ये आपका थर्ड था, फोर्थ के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फोर्थ है टेंजेंट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो भाई अगर टेंथ क्लास में आपने ये आइडेंटिटी ढंग से पढ़ी होगी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है वन, और इसको थोड़ा सा और आगे देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि यू कैन रिप्लेस सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, किसको रिप्लेस कर सकते हैं साहब, वन बाय सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को। तो एक्चुअल में यहां क्या लिखा है, वन के अपोन में सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सॉरी इवन वन अपॉन टेन सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट एक्स, ये एक्चुअल में क्या है, वन अपॉन दिस, इसको आप लिख सकते हैं सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स और डीएक्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर में सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स दिख जाए उसमें आप फटाक से न्यूमिनेटर में सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट एक्स लिख देना और नीचे इसको गायब कर देना, ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए नॉन है बट इसका नहीं जानते हैं, तो इसको आप अभी भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था क्या लिख सकते हैं, ये सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन और डीएक्स। इस इंटीग्रेशन साइन को आप ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल के ऊपर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस का साइन। सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स माइनस, क्योंकि सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेकेंड एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स प्लस में एक्स और प्लस सी में, ठीक है। यहां तक किसको कोई दिक्कत है तो फटाफट देखो भाई एक बार, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट देखो, ठीक है, पूरा बोर्ड छोड़ दिया आप लोगों के लिए, हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट के ऊपर, ये आपका डन है भाई। फिफ्थ पार्ट के ऊपर आ जाओ, फिफ्थ पार्ट देखो बड़ा ही थोड़ा सा, बड़ा नहीं कह सकते, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है। ये कह रहे हैं कि dx अपॉन x प्लस एक्स पावर फाइव, इसका जो इंटीग्रेशन है ये है एफ एक्स प्लस सी में, तो देन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर फोर डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स पावर फाइव, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं यूज करना है, इसका यूज करके आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो देखो क्या लिखेंगे भैया, आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर फोर डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स पावर फाइव डीएक्स। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्या किया जाए कैसे किया जाए, वो चीजें आपको धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी आपको इंटीग्रेशन यू आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब उठा के लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि वेरी गुड, वेरी स्मूथ टॉपिक इज दिस। देखो क्या करेंगे, एक्स पावर फोर है, मैंने नीचे इसको को ऑब्जर्व किया, अगर इसमें से मैं एक्स को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा वन प्लस एक्स पावर फोर, ठीक है, एक्स को अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा वन प्लस एक्स पावर फोर, यानी कि कहीं ना कहीं एक्स पावर फोर है, अगर वन और होता तो बात बन जाएगी, तो वन देना या वन को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा काम इंटीग्रेशन में खूब करेंगे, ये लो भाई वन दे दिया, वन ही तो चाहिए ना, तो वन ले भी लिया भाई ताकि बैलेंस बना रहे, इसके डिवाइड में क्या है एक्स इंटू वन प्लस एक्स पावर फोर और ये पड़ा डीएक्स, इसको अलग से लिख लिया भाई ब्रैकेट में, अब इसके डिनोमिनेटर में ये एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अब इसके डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे तो एक्स पावर फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई
एक्स इंटू वन प्लस एक्स पावर फोर, माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स पावर फोर, और ये रहा डीएक्स, ये तो कटा भाई, यहां डीएक्स भी लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डीएक्स माइनस में, ये एक्चुअल में क्या है, ये तो एक्चुअल में यही है ना एक्स प्लस एक्स पावर फाइव, यानी कि डीएक्स डिवाइडेड बाई, ये एक्चुअल में है डीएक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स पावर फाइव, और वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन कौन याद नहीं रखता, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा माइनस में, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, जो कि गिवन था, ये आपको गिवन था उसी का यूज कर लिया। क्या किया हमने, न्यूमरेटर में प्लस वन किया और माइनस वन किया, वहीं से सारा का सारा खेल बन गया भाई, ठीक है। तो खेला किसका था, प्लस वन करने का और माइनस वन करने का, ठीक है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। सिक्स पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन, अगर आपने नाइन्थ टेंथ क्लास के अंदर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा आपका। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री प्लस एट इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो किसको नहीं देखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि एट इज नथिंग बट टू क्यूब, एट क्या है टू क्यूब है, तो लिख लो भाई इसको, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब इंटू एक्स माइनस वन, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, और यहां आया डीएक्स। तो लगाओ आइडेंटिटी भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, कौन बच्चा याद नहीं रखता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी सबको पता है, पता है तो यहां लगा दो भाई, यहां ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहां क्या बनेगा, एक्स प्लस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स टू और एक्स की प्रोडक्ट प्लस बी स्क्वायर मीन्स फोर इंटू एक्स माइनस वन, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, और यहां बना डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई प्लस फोर से कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। तो आपके पास में बेसिकली क्या बचा भाई, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन और डी एक्स, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिख रहा हूं मैं, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां से आएगा माइनस का एक्स और प्लस का टू एक्स, यानी कि प्लस का एक्स रह जाएगा और माइनस है टू डी एक्स। अब ये तो ट्रिवियल है भी, सब बच्चों को पता है, जिसको इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो भी करेगा इसको, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स पावर थ्री बाय थ्री, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू और टू का इंटीग्रेशन टू एक्स और प्लस सी, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सारा का सारा खेल किसका था, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। अगर ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कोई लगा पा रहे तो मुझे तो पहले ही दिख रहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये कैंसिल हो जाएगा, आप भी देखेंगे भाई क्यों नहीं देखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स, दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इवन ये गलत लिखा गया, आई थिंक यहां प्लस नहीं है, यहां मल्टीप्लाई मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि अभी भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन किया है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, मैंने कहा बेसिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप देखना भी आइडेंटिटी लगाते हैं, आप क्या पाएंगे कि ये तो क्वेश्चन और टिपिकल हो जाएगा आइडेंटिटी लगाने से, क्योंकि वहां मिलेगा एक्स प्लस कॉस एक्स और अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स कॉस एक्स, तो वहां से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर में इसको लाओ, दोनों का स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर, तो साइन क्यूब एक्स के डिवाइडर में ये दोनों लिखेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा, खाली साइन एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, प्लस में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट कर दिया मैंने,
कॉस क्यूब एक्स के डिवाइड में ये डिनोमिनेटर बनाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा और यहां बचेगा कॉस एक्स, दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। इवन साइन कॉस स्क्वायर एक्स तो कट हो गया ना, ये लो जो उसमें उसको गए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट हो गया तो कॉस एक्स बच गया, नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं और एक साइन एक्स के डिवाइड इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। और ये कॉस और ये साइन मिलकर क्या बना देंगे, यहां बन जाएगा कॉट एक्स और वन बाय साइन एक्स बन जाएगा कोजैक एक्स। क्यों बना रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए वेल नोन है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोजैक एक्स होता है क्योंकि कोजैक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोजैक एक्स कॉट एक्स, तो कोजैक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोजैक एक्स। इसका भी हमें पता है, देखो एक साइन के डिवाइड में लिखा ये कॉस तो ये बन जाएगा टेंजेंट और वन बाय कॉस क्या बन जाएगा सेकेंड एक्स डीएक्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपके दिमाग में एकदम से कैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर एकदम से ऊपर से आया है उसके दिमाग में सब कुछ बना रहा होगा, प्रैक्टिस से जब आप भी चीजों को धीरे 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 प्रैक्टिस में लाएंगे डेफिनेटली आप भी ऐसे ही उड़ा देंगे इसको, एकदम से उड़ा देंगे। देखेंगे टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेकेंड एक्स, क्योंकि सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, ऐसे उल्टा ध्यान रखा करो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। कॉट एक्स कोजैक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोजैक एक्स और प्लस में सी वन, ये तो क्या बन जाएगा सेकेंड एक्स माइनस कोजैक एक्स प्लस सी। तो आपका ये क्या था क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर, ठीक है एट देखो मैं, एट में क्या कह रहे हैं ये वाला, ये कह रहा है इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स इनटू सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डीएक्स। तो बच्चों जब आपने बेसिक्स सीखे होंगे इंटीग्रेशन के तो डेफिनेटली वहां पर आपने सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा होगा, फिर भी चलो नहीं लिखा है तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं, बट इस फॉर्म को आज के बाद याद रखना कि सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी देखो आपको डिराइव करके देता हूं, उसको आप बेटा डायरेक्ट ही याद रखना, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें डायरेक्ट ध्यान रखना होता है, आप कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली, अगर कोशिश ना करें तो इंसान ढंग से चल भी ना पाए, ठीक है। तो आप कोशिश करें डेफिनेटली आपको अपने आप याद हो जाएगी चीजें। देखो अभी क्या आएगा, ये क्या है एक्चुअल में सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो सेकेंड एक्स को लोगों ने कहा कि हम लिख सकते हैं वन बाय कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। इनका भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम में आ जाएगा कॉस एक्स, ऊपर क्या बन गया वन प्लस साइन एक्स। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है वन, तो वन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई इसको वन लिखा जा सकता है तो वन को ये भी लिख सकते हैं, इवन आप टू से डिवाइड करके लिख सकते हैं। सबको पता है कि साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, यह आपने भी डिनोमिनेटर में खूब पढ़ा होगा। एक और बात सुनते जाओ, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए भी, ये भी बहुत जगह है, डायरेक्ट किसी का इंटीग्रेशन पूछ लेगा मेरे को, आपको ध्यान रखना है कॉस एक्स चाहिए भाई, यहां टू एक्स की जगह एक्स मतलब आधा कर दिया तो एंगल को हाफ कर दो, ये लो लिख दो सारी की सारी वैल्यू यहां, यहां पर इन वैल्यूज को पटक मारो, पटकेंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू एंड कॉस एक्स बाय टू, दिस डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों जगह आइडेंटिटी का यूज करो भाई। यहां लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और यहां बन जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे सेम है।
इसके बाद क्या करेंगे भाई, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी होगी तो इस फॉर्मूले को जरूर ड्राइव किया गया होगा भाई। ये आई थिंक आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ हम स्पेस चाहिए थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। तो देखो बच्चों क्या रहेगा, ये हमने लिख दिया साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू दिस डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब क्या करो आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं, दो रेशियो बराबर है, दो की डिवीजन बराबर है, तो किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो cos x से डिवाइड कर, इसके डिवाइड में भी cos x by 2 आएगा, इसके डिवाइड में भी cos x by 2 आएगा, इसके डिवाइड में तो बन जाएगा 1, यानी कि यहां तो क्या बन जाएगा 1, 1 मैंने पहले लिख लिया, sin x by 2 plus cos x by 2, ये बन जाएगा tangent x by 2 this divided by, यहां बनेगा cos x by 2 divided by cos x by 2 1 minus sin x by 2 cos x by 2, ये बना देंगे tangent x by 2। किसको लिख रहे हैं भैया, सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को। तो बेसिकली आपको सबको पता है कि ये फॉर्मूला किसको याद नहीं होगा भाई, जिसने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है उसको जरूर याद रहा होगा। बेसिक फॉर्मूला है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, टेंजेंट 45 प्लस एक्स बाय 2 का होता है, टेंजेंट 45 प्लस एक्स बाय 2, यानी कि ये जो चीज है ये एक्चुअल में क्या है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो सबको ध्यान रहेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना था हमें, तो आज के बाद आप ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू होती है सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। अगर सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन आपको ध्यान होगा तो वहां पर जरूर यूज किया गया इस फॉर्मूले को, आप ध्यान रख एक बार देखना, चेक करना अपनी नोटबुक में जहां पर भी आपने बेसिक्स किए हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 से, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहां लिख लेता हूं, यहां क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, हमने क्या लिखा, टेंजेंट इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डीएक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे भाई, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। देखो बच्चों ये प्रोसेस क्यों की मैंने, क्योंकि आपका काफी सारा ट्रिग्नोमेट्री का भी यहां रिवाइज हो गया, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का इंटीग्रेशन आप निकाल पाएंगे, कल को आप पढ़ लेंगे इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट से टेंजेंट कटा भी, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू डीएक्स, पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में एक्स लग जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस में एक्स बाय 2 का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस सी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था भाई, बनाया गया इसी के लिए था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस भी ध्यान रखेंगे भाई। तो देखो जहां पर इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा वो आपकी नॉलेज चेक करेगा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन से ज्यादा आपकी नॉलेज चेक होगी ट्रिग्नोमेट्री की। ये 8 भी गया, ये रह गया इस एक्सरसाइज का बोर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर भी मिलेगा और यहां पर भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के अंदर ही है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए, आपको ऊपर दिखना चाहिए कॉस का कुछ एंगल लिखा है, माइनस में कॉस का दूसरा एंगल लिखा है, यानी कि कॉस सी माइनस कॉस डी की फीलिंग आनी चाहिए भाई, सी डी फॉर्मूला, सी माइनस डी फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा सी माइनस डी फॉर्मूला। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या लगाएंगे भाई, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन डी माइनस सी बाय 2, ठीक है, लोग इसको याद रखते हैं, जब कॉस सी माइनस सी डी फॉर्मूला होता है और बीच में नेगेटिव होता है तो दोनों के दोनों साइन आते हैं, दोनों के दोनों साइन, यहां दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, यहां सेकेंड माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। कुछ लोग इसको और तरीके से भी याद रखते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और एक नेगेटिव यहां चिपका देते हैं, क्योंकि साइन से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाता है। तो जो आपके मन को अच्छा लग रहा आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ही मन को अच्छा लग रहा था आज ऐसे लिख दिया। मैं भी जनरली यहां नेगेटिव लगा के ही लिखता हूं, ठीक है। तो यहां भी सी डी फॉर्मूला लगाओ, नीचे भी सी डी फॉर्मूला लगाओ भाई। ऊपर लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 2x प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहां क्या आ जाएगा x प्लस थीटा, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डी माइनस सी यानी कि 2 थीटा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कट जाएगा यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस एक्स दिस डिवाइडेड बाय, यहां क्या आएगा 2। अब सी का काम एक्स करेगा और यहां थीटा है भी, ये गलत लिखा गया, यहां पर थीटा है क्योंकि एक्स एक्स तो कोई बात ही नहीं बनेगी, यहां थीटा है। तो यहां क्या बनेगा 2 साइन एक्स प्लस थीटा दिस डिवाइडेड बाय 2 आएगा सी प्लस डी डिवाइड बाय 2, डी माइनस सी यानी कि साइन डी माइनस सी डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो सर अब तो क्या बना, ये तो और कॉम्प्लीकेटेड दिखने लग गया, पहले तो थीटा और 2x दिख रहे थे, ठीक है, x और थीटा में दिख रहा था, अब तो थीटा बाय 2 और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। मैंने कहा जब भी आपको साइन x दिखे, इंटीग्रेशन का फेवरेट फॉर्मूला रहता है साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जब यहां एंगल आधा हो जाए साइन थीटा हो जाए तो यहां पर भी एंगल क्या हो जाएंगे हाफ हाफ हो जाएंगे। जरा यहां लगाओ यहां दोनों जगह फॉर्मूले लगाओ, फिर आधे से आधे कट जाएंगे ये, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस थीटा बाय 2 साइन एक्स प्लस थीटा बाय 2 और कॉस एक्स प्लस थीटा बाय 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा साइन, ये अब थीटा का काम कौन करेगा वहां थीटा माइनस एक्स, तो 2 साइन थीटा माइनस एक्स बाय 2 और कॉस थीटा माइनस एक्स बाय 2 दिस डिवाइडेड बाय क्या लिखा है साइन एक्स एक्स प्लस थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस एक्स बाय 2। तो साइन एक्स प्लस थीटा बाय 2 से साइन एक्स प्लस थीटा बाय 2 कैंसिल और साइन थीटा माइनस एक्स बाय 2 से साइन थीटा माइनस एक्स बाय 2 कैंसिल। तो यहां क्या बच गया, एक तो 2 रखा है, एक 2 यहां पर रखा है, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स बाय 2। तो बेसिकली ये क्या बन गया भाई, दोनों दोनों कोस कोस दिख रहे हैं आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री ठीक है आ जाओ। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी मीन्स इन दोनों का सम करो, एक्स प्लस थीटा बाय 2 में एड किया थीटा माइनस एक्स बाय 2, तो एक्स से तो एक्स कट जाएगा थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 इट विल बी थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स एक्स प्लस थीटा बाय 2 में से माइनस करना है एक्स माइनस नहीं थीटा माइनस एक्स बाय 2, तो ये माइनस यहां लगाएंगे यहां प्लस हो जाएगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल एक्स प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2 यहां क्या आ जाएगा एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा 2 cos थीटा dx प्लस बी 2 cos x dx, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा 2 cos थीटा का, cos थीटा से इंटीग्रेशन ट्रीट करेंगे तो देखो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा सीधा सीधा 2 इंटीग्रेशन cos थीटा dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos x dx। अब cos थीटा इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x है, यहां से 2 cos थीटा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि ये हो जाएगा 2 cos थीटा, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस में 2 sin x प्लस c
टू कॉमन ले लो, थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस थीटा प्लस सी, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। यहां पर गलती से हमने साइन थीटा लिख दिया था, तो इसको करेक्ट कर देना, ये कहेगा कॉस थीटा, फॉर्मूला सही लगाया था हमने, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल सीरीज का फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 7.1, कंप्लीट 7.1। तो सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करें, ठीक है, पूरा बेसिक यूज करें, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, इंटीग्रेशन से बिल्कुल भी ना डरें। इंटीग्रेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, जितना अच्छा सिंप्लीफाई आप चीजों को कर पाएंगे उतना ही ज्यादा इंटीग्रेशन आपको आता है, और जितना अच्छे से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे उतना ही इंटीग्रेशन कम आता है। लोगों को इंटीग्रेशन इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि इसमें अलजेब्रा भी यूज होता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है, और सारे फॉर्मूले यूज कर जाता है, ठीक है। और अगर ये किसी के स्ट्रॉन्ग रहे होंगे तो डेफिनेटली उसके लिए इंटीग्रेशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7.2।